गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास शर्मा आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था और हमारा टॉपिक चल रहा था न्याय। पिछली क्लास में हमने जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में विस्तार से विवेचना किया था और हमने ये पाया था कि जॉन रॉल्स के लिए न्याय क्या है। जॉन रॉल्स के लिए न्याय है प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की न्यायपूर्ण प्रक्रिया। अपने न्याय के सिद्धांत को जॉन रॉल्स ने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी थी। जॉन रॉल्स ने उसे क्या कहा है? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, ठीक। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जॉन रॉल्स ये कहता है, क्योंकि समाज एक कड़ी की भांति, एक चेन की भांति जुड़ा हुआ है, अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो लाभ मिलता है उसके लाभ में समाज के सब लोगों का योगदान होता है। अतः उस संपत्ति का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और इसके लिए उसने क्या कहा था? इसके लिए उसने सुझाव दिया था कि सरकारें अमीर लोगों पर टैक्स लगाएं और उस अमीर लोगों के टैक्स से गरीब लोगों के लिए क्या करें? कल्याण के कार्य करें। दूसरा उसने सुझाव दिया था भेदपूर्ण सिद्धांत, जिसमें वो क्या कहता है कि स्वतंत्र समानता होने पे, अवसर की उचित समानता होने पे भी यदि समाज में पिछड़ापन विद्यमान है, भेदभाव विद्यमान है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में जो कमजोर वर्ग है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अंत में वो क्या कहता है? आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उन लोगों के लिए स्थान सुरक्षित करने चाहिए। अब पिछली क्लास में हमने टॉपिक खत्म किया था कि जॉन रॉल्स आरक्षण की बात करता है, लेकिन जॉन रॉल्स का आरक्षण भारत के आरक्षण से अलग है, भारत में विद्यमान आरक्षण से अलग है। जॉन रॉल्स ने अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए, अधिकारों के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के संदर्भ में न्याय की बात कही थी। लेकिन यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा भारतीय संदर्भों में अलग है। देखिए, जॉन रॉल्स जिस आरक्षण व्यवस्था की बात कर रहा है उसमें वो ये कहता है कि जो लाभ है, जो गरीब तबके और पिछड़े वर्ग को जो लाभ देना है, पिछड़े हुए लोगों को जो लाभ देना है, वह लाभ प्रतियोगिता के स्तर पे दिया जाना चाहिए। इस पर दिया जाना चाहिए, प्रतियोगिता के स्तर पर दिया जाना चाहिए, परिणाम के स्तर पर कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। वो ये कहता है कि जब आप प्रतियोगिता के स्तर पर ही लाभ दे दोगे तो परिणाम निश्चित रूप से अनुकूल आएंगे। जैसे दो कैंडिडेट है हमारे सामने जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हमने बताया था कि इनमें से एक बच्चे के पास सारी सुविधाएं संपन्न है और दूसरे बच्चे के पास नाम मात्र की सुविधाएं हैं। तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से इनका स्तर कर रहे हैं। यहां पर गांव के भेद विद्यमान है, जो जोरों से कहते हैं कि इसी स्तर पर क्या करो, आप इस पिछड़े व्यक्ति को इसके बराबर सुविधाएं प्रदान करो ताकि ये प्रतियोगिता में बराबर की स्थिति पर आ जाए। उसके बाद अंतिम परिणाम में किसका चयन होता है, कौन आगे निकलता है, ये अपने आप में जवाब का विषय नहीं है। क्यों? जब आपने प्रक्रिया शुद्ध कर दी है तो परिणाम भी अपने आप शुद्ध निकलेगा। इसको उसने क्या कहा था? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। लेकिन भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कैसी है? जो प्रतियोगिता के स्तर पर भी है और परिणाम के स्तर पर भी है। भारत में गरीब पिछड़े लोगों को केवल प्रतियोगिता के स्तर पर ही लाभ नहीं दिया जाता, अपितु परिणाम के स्तर पर भी उनके लिए
प्यारे बच्चों, भारतीय संदर्भों में जो न्याय की संकल्पना है वो निश्चित रूप से यूनानी और पश्चिमी न्याय की संकल्पना से काफी अलग है। यूनानी संकल्पना में न्याय को व्यक्ति के नैतिक आचरण के रूप में बताया गया था, जबकि भारतीय दर्शन में जिसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है वो है धर्म। वो क्या है? धर्म। धर्म शब्द संस्कृत की ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य। जिसका अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। इस प्रकार जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन न्याय को कर्तव्य पालन के रूप में सुव्यवस्थित करता है। अनेक भारतीय महर्षि हैं जिनमें मनु, शुक्र, कौटिल्य, विदुर, बृहस्पति, सोमदेव, इन सभी के नाम आते हैं। सभी लोगों ने न्याय को कर्तव्य पालन के रूप में स्थापित किया है। अब भारतीय संदर्भों की जो व्याख्या है, जो धर्म के संबंध की व्याख्या है, वह समकालीन कानूनी न्याय की संकल्पना के निकट है। इसके निकट है, कानूनी न्याय की संकल्पना के निकट है, जिसमें इन महर्षियों ने लिखा है कि राजा का यह दायित्व है कि वह देखे कि समाज के सभी वर्गों के लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, और यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो यह राजा का दायित्व होता है कि वह उन्हें दंडित करे और उन्हें कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करे। इस प्रकार जो यहाँ हमें बाध्यता का गया है वो यह बताता है कि भारतीय संदर्भों में जो न्याय की संकल्पना है वह कानून की संकल्पना के रूप ही है। आइए हम पढ़ते हैं न्याय के विभिन्न रूपों के बारे में। आइए अब हम चर्चा करेंगे न्याय के विभिन्न रूपों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी समय हो या वर्तमान का समय हो, अब तक जिन न्याय के दो रूपों की चर्चा होती रही है वो है नैतिक न्याय और कानूनी न्याय। लेकिन वर्तमान समय में जिस न्याय की सबसे ज्यादा परिकल्पना है वो है हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय। समाज में सब लोगों को बराबरी का हक मिले और गरीब लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये क्या रूप है? सामाजिक और आर्थिक न्याय के। एक और रूप है जो कि 17वीं शताब्दी के बाद उभर करके आया था, वो था राजनीतिक न्याय का स्वरूप। राजनीतिक न्याय का स्वरूप लोकतंत्र के विचार के निकट था। आइए न्याय के इन विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम नैतिक न्याय के बारे में। जैसा कि आप लोगों को उसके शब्द से ही पता चल रहा है कि नैतिक न्याय का विचार नैतिकता से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के बनाए गए जो नियम हैं, वे नियम जो मानव मात्र में मानवीय मूल्यों को, दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे मूल्यों को जगाते हैं, उन मूल्यों का बने होना ही क्या है? नैतिक न्याय। जो व्यक्ति इन मूल्यों से युक्त है और एवं दूसरे मनुष्यों के साथ इन गुणों के अनुसार नैतिकता से भरा हुआ व्यवहार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक न्याय की परिभाषा में कहते हैं। और जो व्यक्ति इन गुणों से रहित है, पाशविक या अमानवीय प्रवृत्ति अपना रहे हैं, ऐसे लोगों को नैतिक न्याय में नहीं गिना जाता है। दूसरा हमारा है कानूनी न्याय। जैसा कि इसकी संकल्पना स्पष्ट कहती है, कानूनी न्याय से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना ही कानूनी न्याय है, और जो इनकी उल्लंघना करता है राज्य द्वारा उसको दंडित किया जाता है।
जो कि हर दृष्टि से कैसे हैं, गलत हैं। ऐसे कानूनों की पालना को कानूनी न्याय नहीं कह सकते। कानून भी कैसे होने चाहिए, उचित होने चाहिए, जो कि सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो। दूसरी बात है कानूनों को उचित क्रियान्वयन की, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाए उनका क्रियान्वयन भी उचित तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अभी अभी हमारे कोरोना का बीमारी आया है और कोरोना से लड़ने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था और इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि सरकार ने कई तरह के कानून पर पाबंदियां लगा दी। तो ये कानून उचित है, ये कानून उचित है सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। हमारा संविधान भी कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के नाम पर अधिकारों पर उनका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कानून उचित है। अब इसका क्रियान्वयन भी उतने उचित तरीके से हुआ है। चाइना में, ईरान में, इन देशों में हमने देखा था कि लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बड़ा ही निर्ममपूर्ण व्यवहार किया गया। इनका क्रियान्वयन भी उचित है। लॉकडाउन को लगाने में लोगों से यथासंभव सहयोग की अपील की गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग इसकी उल्लंघना कर रहे थे तो राज्य सरकार ने केवल उन्हीं लोगों पर क्या किया, सख्ती भी लागू की। जो लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन गलत तरीके से क्रियान्वित हुआ, लोगों पर अत्याचार हुए हैं, मारपीट किया पुलिस ने, तो उनका यह दावा इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसे लोग जो कि इस महामारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं दूसरों के जान के लिए भी खतरा है। अतः जहां तक 90% लोग स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, 10% लोगों के लिए यदि सख्ती दिखानी पड़े तो उस क्रियान्वयन को गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो कानूनी न्याय में आता है हमारा उचित कारणों पर उचित क्रियान्वयन। आइए अब पढ़ते हैं न्याय के तीसरे रूप के बारे में। ये तीसरा रूप है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या कहता है? राजनीतिक न्याय कहता है कि शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए, उसमें भाग लेने के समान अवसर होने चाहिए। राजनीतिक न्याय का विचार जन कल्याण से जुड़ा हुआ विचार है। यह विचार लोकतंत्र के निकट विचार है। इसमें कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार करने, राजनीतिक दल बनाने, मत प्रकट करने, अपना विरोध प्रकट करने, सरकारों के निर्णयों के खिलाफ आलोचना करने और हड़ताल करने का भी अधिकार इसमें शामिल है। यह क्या है हमारा राजनीतिक न्याय? जो वस्तुतः कहता है कि शासन संचालन के कार्यों में भाग लेने का सभी को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आगे आता है हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का जो मूल आधार है वो है समानता का विचार। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये बात आती है कि समाज में जिस तरह का भेदभाव विद्यमान है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, सभी तरह का भेदभाव क्या है, गलत है। समाज में क्योंकि समरूपता नहीं हो सकती, सभी काले नहीं हो सकते, सभी गोरे नहीं हो सकते, सभी पुरुषों सभी स्त्री नहीं हो सकते, इसीलिए सामाजिक न्याय ये कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे अवसर के उचित अवसर की समानता होनी चाहिए। यह क्या है, सामाजिक न्याय का तकाजा कहता है। और इसके लिए शर्त भी रखी जाती है कि समाज में यदि जाति, धर्म और इसके आधार पर भेदभाव विद्यमान है तो ऐसे भेदभाव को मिटाने के लिए राज्य को भेदभावकारी उपाय भी करने पड़े, जैसे आरक्षण की व्यवस्था है, तो ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए। ऐसे उपाय समानता के नियम के बिल्कुल भी विरोध नहीं माने जाएंगे। और अंत में बात आती है आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय का जो पहलू है वो अर्थव्यवस्था के विचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उससे न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं हैं। तो पहली बात तो व्यक्ति की ये न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनचाहा कार्य करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो
कोई व्यक्ति उस अवस्था में ना हो जहां से वह दूसरे व्यक्तियों के लिए केवल साधन बन करके रह जाए। और तीसरे इसमें यह बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में ना हो जहां से दूसरा व्यक्ति उसका शोषण कर सके, अर्थात कोई भी व्यक्ति शोषणकारी परिस्थितियों में नहीं रहना चाहिए। आर्थिक न्याय का तात्पर्य आर्थिक समानता से जुड़ा हुआ है और आर्थिक स्वतंत्रता के विचार के अंतर्गत भी है। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता मिले और वह शोषणीय परिस्थितियों में ना रहे, इसके साथ ही उसे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी प्राप्त होनी चाहिए। ये है आपके न्याय के विचार के विरुद्ध। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, न्याय के प्रतिरूप हो गए जॉन रॉस का न्याय हो गया और हमारे जो पुराने विचार थे उनके न्याय हो गए। आप लोगों के पाठ्य पुस्तकों में ये चैप्टर दिया हुआ है, आप घर जाए पाठ्य पुस्तक पढ़े, पीछे पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़े। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अरस्तु के संबंध में जो बात की वही बात जॉन रॉस के संबंध में है। आपकी पाठ्य पुस्तकों में जॉन रॉस के संबंध में जो है वो काफी अधूरा है। जी हाँ, काफी आपके पाठ्य